ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे विशाल नदियों में से एक। इसके बीचों बीच बसे हैं 1000 से भी ज्यादा छोटे बड़े द्वीप। क्या खतरे हैं कुदरत की इस बेशकीमती धरोहर को और क्या किया जा सकता है इन द्वीपों को बचाने के लिए, देखिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अनुपम राज खोवा की खास रिपोर्ट। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट शनिवार रात 9:30 बजे भारत में और रविवार सुबह 8:30 बजे यूएई में सिर्फ जी न्यूज पर। ब्रह्मपुत्र, सांगपो, जमुना, तीन अलग अलग नाम, तीन अलग अलग देश, अलग अलग मान्यताएं, पर एक नदी। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तिब्बत, भारत और फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। अपने इस लंबे सफर में ये जन्म देती है कई छोटे बड़े द्वीपों को। नदी के बीच इन टापुओं का पाया जाना जहाँ एक अनोखी बात है, वहीं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा रिवर आइलैंड भी यहीं पर पाया जाता है। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अनुपम राजखोआ ने ब्रह्मपुत्र पर बने इन द्वीपों का दौरा किया और पाया कि जहां ये द्वीप प्राकृतिक सुंदरता की मिसाल हैं, वहीं इंसानी उपेक्षा और अनदेखी के चलते आज इनका वजूद ही खतरे में है। अनुपम, ये बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ये टापू कहां कहां पर पाए जाते हैं और इनके बनने के पीछे क्या कारण है? ब्रह्मपुत्र दुनिया के विशाल नदियों में से एक है। ये भारत का इकलौता मेल रिवर है। असम के लोग इसे लुइट या लोहित कहते हैं। इस नदी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह के होते हैं कि इसमें आइलैंड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। असम में डिब्रूगढ़ से लेकर गुवाहाटी तक इन आइलैंड्स की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, पर पिछले कुछ सालों में मैनमेड रीजंस की वजह से इन आइलैंड फॉर्मेशंस में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही इन पर अवैध कब्जा वगैरह भी ज़्यादा हो रहा है। Let's see this report. ब्रह्मपुत्र असम के लोगों के लिए इसके मायने एक साधारण नदी से कहीं ज्यादा हैं। पश्चिमी तिब्बत में कैलाश से शुरू हुआ इसका 3000 किलोमीटर लंबा सफर ब्रह्मपुत्र को बंगाल की खाड़ी तक ले जाता है। असम में ये नदी 720 किलोमीटर का इलाका तय करती है। इस नदी पर बने टापुओं तक पहुंचने का हमारा सफर डिब्रूगढ़ से शुरू हुआ। इन टापुओं को करीब से देखने के लिए हमने एक नाव का सहारा लिया। इसमें हमें आगे आने वाला काफी वक्त गुजारना था। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की उत्तरी ढलानों से निकलती है। आगे इसकी धारा दिशा बदलकर दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ जाती है। हिस्टोरियंस का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का अस्तित्व हिमालय से भी पुराना है। जमीन के अंदर समय समय पर होने वाली हलचल से ये नदी अक्सर अपनी दिशा भी बदलती रहती है। ब्रह्मपुत्र अपने साथ साथ हिमालय से कटी ढेरों मिट्टी बंगाल की खाड़ी तक लाती है। यहाँ हर साल आने वाली बाढ़ जाते जाते लाखों मेट्रिक टन मिट्टी छोड़ जाती है। माना जाता है कि ऊपरी तिब्बत और चीन में वनों के कटने से वहाँ की ढीली पड़ चुकी मिट्टी अब काफी मात्रा में ब्रह्मपुत्र के जरिए असम तक आ रही है। ये पूरा इलाका भारत के उत्तर पूर्व की इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस सिल्टेशन के कारण जहां नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, वहीं नदी के बीचों बीच नए टापू उभर रहे हैं।
चिकनी मिट्टी के जमाव और नदी के रास्ता बदलने से इनके बीच पाए जाने वाले वेटलैंड्स की संख्या भी अच्छी खासी है। ब्रह्मपुत्र के उथले तल और चौड़े पार्ट के कारण ये लंबे समय तक बने रहते हैं। इनमें से तकरीबन 1000 द्वीप तो पिछले कई सौ साल से मौजूद हैं। बाकी छोटे बड़े द्वीप बरसात के दौरान नदी में पानी ज्यादा होने से अक्सर डूब जाते हैं। लेकिन इन दिनों ऊपरी पहाड़ी इलाकों में वनों के खत्म होने से इन द्वीपों का भविष्य खतरे में है। वृक्षों के न होने से जमीन के बढ़ते कटाव के बाद इन इलाकों की मिट्टी लगातार बहकर नीचे की ओर आ रही है। इसके अलावा नदी के तल में मिट्टी के जमाव से नदी में पानी का स्तर भी निरंतर बढ़ रहा है। जहां एक और इसी प्रक्रिया से नए टापू बनते हैं, वहीं पुराने टापुओं और नदी किनारे बसे रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यहां दिख रहे टी प्लांटेशंस का एक बड़ा हिस्सा किनारे की मिट्टी बह जाने से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। टापुओं पर जमीन कटने से यहाँ की वन संपदा भी प्रभावित हो रही है। बुरहे सपोरी नाम के इस टापू पर नदी का पानी पिछले कुछ साल में लगभग 4 किलोमीटर आगे तक चला आया है। पानी के तेज बहाव से उखड़ चुके पेड़ आज भी इस बर्बादी की कहानी कहते हैं। हमने इस टापू पर कुछ देर रुकने का फैसला किया। हमें जानकर हैरत हुई कि यहाँ एक गांव भी बसा हुआ है। हमारी मुलाकात यहाँ रह रही मैना यादव से हुई। नदी द्वारा तेजी से हो रहे मिट्टी के कटाव के चलते ये कई बार अपना घर खो चुकी हैं। कहाँ जाएंगे, एक बार तो वहाँ पर से यहाँ थोड़ा जगह रहे तो यहाँ पर बैठा, अब यहाँ भी चलाया नदी, अब कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, उपाय नहीं है। यहाँ रह रहे दूसरे लोगों ने भी यही परेशानी जाहिर की। नदी सामने आने से तो बैठने को दिक्कत होता है। ये नदी हमारे घर के पास तक आ गई है। हम सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, हमारी भैंसें भी खत्म हो चुकी हैं। अब हम गाय का दूध बेचकर गुजारा चलाते हैं। भैंसा तो शेष हो गया, गाय है अभी 20-25 तो ऐसे चल रहा है जैसे तैसे। ब्रह्मपुत्र पर बसे सैकड़ों छोटे छोटे द्वीपों में ये अकेला रिहायशी टापू नहीं है। नदी के साथ आगे बढ़ते हुए हम ऐसे टापुओं पर भी पहुंचे जो हाल ही में बने थे। उपजाऊ जमीन की तलाश में लोग इन द्वीपों पर भी आबसे हैं। मौसमी तौर पर बनने वाले इन टापुओं पर नदी किनारे बसे लोग खेती के लिए अवैध कब्जा कर लेते हैं। इसी की आड़ में बांग्लादेश से आए शरणार्थी भी बड़ी संख्या में यहाँ बस चुके हैं। इन द्वीपों पर अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम भी एक बड़े स्तर पर किया जाता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले जाल और मछली मारने के लिए पानी में जहर डालने जैसे तरीकों से नदी में मछलियों की तादाद तेजी से कम हो रही है। ब्रह्मपुत्र के द्वीपों पर अवैध रूप से रह रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें बहुत से लोग पड़ोसी देशों से आए बताए जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर रही, क्योंकि अधिकतर राजनीतिक पार्टियां इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं। इधर इन दूरदराज रिवर आइलैंड्स पर इंसानी आबादी बढ़ने से इनका प्राकृतिक संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। अभी समय एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे ब्रह्मपुत्र पर बसे दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली पर। देखते रहिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। असम के लखीमपुर और जोरहाट जिलों के बीच ब्रह्मपुत्र पर बसा माजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माना जाता है। ये खूबसूरत नदी द्वीप यहाँ पाए जाने वाले लगभग 100 प्रजातियों के पक्षी और वेटलैंड्स के कारण ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट कहा जाता है। इसके अलावा माजुली असमिया संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र के रूप में भी मशहूर है। इसे देखते हुए इन दिनों यूनेस्को द्वारा माजुली को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट घोषित किए जाने के प्रयास भी चल रहे हैं।
अनुपम ये बताइए, दुनिया भर में मशहूर इस आइलैंड पर जो ज़मीन का कटाव है यानी सॉयल इरोजन का कितना असर हुआ है? असम की हिस्ट्री ये कहती है कि पिछले 300 सालों में हर 50 साल में यहाँ पे एक बड़ा भूकंप आया है और माजुली इन्हीं जियोटेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण क्रिएट हुआ। लेकिन पिछले 200 सालों में यहाँ काफ़ी सॉइल इरोजन हुआ है जिसकी वजह से इसका एरिया लगातार कम हुआ है। 1853 में इसका एरिया 1246 स्क्वायर किलोमीटर था जो अब घटकर सिर्फ 700 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 1950 के अर्थक्वेक के बाद सॉइल इरोजन तेज़ी से हो रहा है। चलिए चलते हैं माजुली। माजुली तक पहुंचने के लिए निमाटी घाट से 11 किलोमीटर का रास्ता हमने एक नाव पर तय किया। माजुली तक जाने वाले लोगों के लिए वहां तक पहुंचने का ये एकमात्र जरिया है। हालांकि पिछले कुछ साल से जोरहाट और माजुली के बीच संचार साधन बेहतर बनाने की बात चल रही है, पर अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ब्रह्मपुत्र पर यह छोटी सी दूरी तय करने में हमें 2 घंटे से भी ज्यादा समय लगा। यही कारण है कि यहाँ आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ का जो ट्रैफिक कम्युनिकेशन या जो ट्रांजेक्शन होता है वो एकदम सबसे खराब है, क्योंकि यहाँ पर रोडवेज का जो हालत है वो बेकार एकदम बता है। यहाँ पर जो फेरी है वो भी टाइम में टाइम नहीं मिलता है। जो वहाँ पर बस आता है वो भी दिन में एक बार दो बार आता है, जिसकी वजह से यहाँ का तो सबसे मेन प्रॉब्लम है। माजुली के रास्ते में हमें सिल्टेशन के कुछ और नतीजे देखने को मिले। द्वीप से कुछ दूर हमें एक बड़ी नाव दिखाई गई जो नदी के तल में मिट्टी के जमाव के कारण पिछले 4 दिनों से यहीं फंसी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में ऐसा अक्सर देखा जा रहा है। द्वीप के रास्ते में तट के आसपास मिट्टी के कटाव के सबूत हमें यहां भी देखने को मिले। माजुली पहुंचते पहुंचते शाम हो आई। ऐसे में असम के इन टापुओं पर डूबते सूरज का नजारा कुछ खास होता है। ब्रह्मपुत्र पर पड़ती सूरज की रोशनी देखकर ऐसा लगता है मानो पानी पर सोने की एक चादर सी बिछी हो। द्वीप का जायजा लेने के लिए फिलहाल हमने सुबह तक रुकने का फैसला किया। ब्रह्मपुत्र के द्वीपों पर प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा सबसे अच्छा सुबह के समय देखा जा सकता है। धुंध से ढके माजुली पर इस समय हजारों पक्षियों का राज होता है। इन द्वीपों पर पाए जाने वाले बील यानी वाटर बॉडीज हर साल दुर्लभ प्रजाति के सैकड़ों पक्षियों को आकर्षित करते हैं। माजुली में इस समय लगभग 150 बील हैं। यही कारण है कि सर्दियों का समय इन वेटलैंड्स पर गुजारने तरह तरह के स्टॉक, पेलिकैन और क्रेन साइबेरिया जैसे दूर दराज इलाकों से यहां आते हैं। लेकिन ऐसे बड़े द्वीपों पर दिनों दिन बढ़ती आबादी और सरकारी सोच के अभाव में इन नेचुरल बर्ड सेंचुरीज का वजूद खतरे में है। यहाँ के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए अक्सर पानी में जहर डालकर उन्हें मारते हैं। इस वजह से अभी पिछले दिनों कई दुर्लभ पक्षी मारे गए। हम चाहते हैं कि इन इलाकों को रिजर्व्ड बर्ड सैंक्चुरीज का दर्जा दिया जाए। माजुली का जायजा लेते हुए हमने पाया कि जहाँ एक ओर इंसानी आबादी से पक्षियों का अस्तित्व खतरे में है, वहीं यहाँ बसे गाँव भी टापू की जमीन लगातार बहते रहने से सिमटते जा रहे हैं। पिछले 50 साल में माजुली का क्षेत्रफल पहले के मुकाबले अब 1/3 रह गया है। इसके पीछे एक बड़ा कारण माजुली के विपरीत तट यानी जोरहाट किनारे पर बना रिवर स्पर बताया जाता है। ये स्पर करीब 40 साल पहले जोरहाट जिले को ब्रह्मपुत्र के तेज बहाव से बचाने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद नदी के पानी का बहाव जोरहाट किनारे से उल्टी दिशा में मोड़ मेनलैंड को कटाव से बचाना था। लेकिन जहां ये उपाय जोरहाट को जमीनी कटाव से बचाने में कारगर साबित हुआ, वहीं नदी के बीच बसे टापुओं को इससे भारी नुकसान हुआ। ठोस पत्थरों से बने स्पर से टकराकर पानी का वेग इन द्वीपों की ओर बढ़ता चला गया। नतीजा ये हुआ
कि निचले माजुली का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र में समाता चला गया। जेतिया कोकिला मुखत जोरहाटर बैंकत एटा स्पार निर्माण करिसले। जोरहाट में बने स्पार से माजुली का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव सेंटर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और अब सरकार माजुली के दूसरी ओर एक और स्पार बनाने की बात कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो माजुली पूरी तरह तबाह हो जाएगा। माजुली बैंक यदि स्पार निर्माण न करो तेतिया होले माजुली खन आको निखे खोइ जवार एटा पूर्ण संभावना आछे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर यहाँ मिट्टी का कटाव ऐसे ही चलता रहा तो अगले 20-25 साल में ये टापू पूरी तरह पानी के नीचे आ जाएगा। इसके चलते अब तक दर्जनों गांव तबाह हो चुके हैं। यही नहीं, गांव से जुड़ी सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन पानी में बह जाने से खेती पर निर्भर गांव वाले आज आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। इनमें से बहुत से लोगों ने रोजगार के साधनों की कमी के कारण अब देसी शराब बनाने का धंधा शुरू कर दिया है। खेतों के न रहने से अब हम सड़क पर आ गए हैं। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, देसी शराब बनाकर बेचते हैं, किसी तरह गुजारा हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के रिवर आइलैंड्स के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। बाहरी दुनिया से कटे ब्रह्मपुत्र के 1000 से ज़्यादा रिवर आइलैंड्स अपने आप में एक बड़ी विविधता समेटे हुए हैं, पर आज यहाँ के पर्यावरण को गंभीर खतरे हैं। लेकिन अनिश्चितता का सामना कर रहे यहाँ के लोग इन द्वीपों को उनकी उपजाऊ ज़मीन की वजह से छोड़ना नहीं चाहते। अनुपम, क्या कुछ ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकल सकता कि इन आइलैंड्स का वजूद भी बना रहे लेकिन पर्यटन के लिए यहाँ पर विकास किया जा सके? निधि, रिवर आइलैंड्स में डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ किया जा सकता है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आइलैंड रिसोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स आदि में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फिश कल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी यहाँ काफ़ी पोटेंशियल है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो सकता है। लेकिन सरकार की लैक ऑफ इनिशिएटिव और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। Let's see this report. ब्रह्मपुत्र के टापुओं के दौरे पर हमने पाया कि यहाँ के द्वीप बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। हालांकि एक टापू पर पर्यटकों को लुभाने के लिए हमें एक आइलैंड रिसोर्ट जरूर नजर आया, लेकिन संचार साधनों की कमी के कारण इस तक लोगों की पहुंच आसान नहीं है। बड़े टापुओं के भीतर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में स्थानीय लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। सरकारी उपेक्षा का अंदाजा यहाँ सड़कों की खराब हालत से साफ जाहिर होता है। पर्यटन के विकास के लिए ऐसी बुनियादी सुविधाओं का होना बेहद जरूरी है। 160,000 की आबादी वाले माजुली में हमें कई जगह पुराने जर्जर हो चुके पुल दिखाई दिए। ये शायद इस बोझ को अब ज्यादा दिनों तक नहीं सह पाएंगे। बाढ़ के असर से टूट चुके पुल एक लंबे समय से मरम्मत के इंतजार में हैं। यहाँ दिख रहे पुल को बनाने का काम पिछले 2 साल से रुका पड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपों पर रहते आए लोग अधिकतर जनजातियों से हैं। इनकी अर्थव्यवस्था बहुत कुछ खेती और कुटीर उद्योगों पर निर्भर है। बाढ़ और मिट्टी के कटाव से हमारी खेती बर्बाद हो चुकी है। अब हम महिलाओं ने कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें सरकार की मदद की जरूरत है। ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा द्वीप माजुली अपनी 600 साल पुरानी अनोखी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में यहां आए समाज सुधारक शंकर देव ने इस द्वीप से पूरे उत्तर पूर्व को वैष्णव संस्कृति के रूप में एक नई सोच दी। उनके द्वारा स्थापित की गई सत्र गुरुकुल परंपरा आज भी इस द्वीप पर अपने सबसे प्राचीनतम रूप में पाई जाती है। हालांकि पहले जहां माजुली में सत्रों की संख्या 65 थी, द्वीप का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाने से अब यहां कुल 22 सत्र ही बचे हैं। सत्रों का यहां की आध्यात्मिक विचारधारा प्रभावित करने के अलावा उत्तर पूर्व के गीत संगीत में भी एक बड़ा योगदान है।
focus of different traditions. माजुली नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति और परंपराओं का केंद्र है। यहाँ के 17 कल्चर में खास बात यह है कि हर 17 में संगीत और नृत्य की अलग अलग विधाएं हैं। इन दिनों यूनेस्को द्वारा माजुली को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट घोषित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। ये इस द्वीप के लिए आशा की किरण तो जरूर है, लेकिन आने वाले समय में इसे बचाने के लिए ठोस उपायों की जरूरत है। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कुछ पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बैम्बू कल्टीवेशन। इसमें ड्रेजिंग का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन तरीकों से एक्सेसिव सॉइल इरोजन को रोकने में मदद मिलती है। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव था उमानंदा द्वीप। इसे दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड कहा जाता है। ये लंबा सफर खत्म होते होते ब्रह्मपुत्र के द्वीपों से हम एक अनोखा लगाव महसूस कर रहे थे। प्रकृति के इस रूप को संजो कर रखने की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है। कुदरत की ये देन न सिर्फ असम के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक बेशकीमती धरोहर है। Thank you.